हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिस्ट्री। हमने 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सॉल्यूशन और आज है लेक्चर 6। तो आज लेक्चर 6 में हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की आज हम टोटली बात करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है बेसिकली, मैं आपको सबसे पहले बता दूं लिक्विड सॉल्यूशन बनता कैसे है। हम पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है, एंड सॉल्यूट जो होगा वो तीन स्टेट्स यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई बात समझ में कि सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा, सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो बनाते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और हम जो वेपर प्रेशर की बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे एक तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी जब सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, और दूसरा हम बात करेंगे जब सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की आज बात करेंगे। पहला लिक्विड लिक्विड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की हम बात करें तो देखिए वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जनरली हम जानते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर होता है वेपर का, उसे ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हुई जनरल सी बात, लेकिन हमें यहां पर पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जब अगर अपन बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अब ये वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या हुआ, देखिए वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली एवोपरेट हो जाए, जो इजीली भाप बन जाए, ठीक है, वो सब्सटेंस जो आराम से भाप बन जाए, भाप बनने के लिए तैयार, ठीक है, भाप बनने के लिए तैयार हो जाए, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, जिसमें लिक्विड आते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की, तो उसके अंदर आता है सॉलिड, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जो कि भाप नहीं बना सकते हैं इसी, ठीक है, जो भाप यानी वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही हो सकता है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम ओपन कंटेनर में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन कंटेनर में इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज ओपन कंटेनर में तो वेपर प्रेशर उड़ जाएगी ना, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी वेपर बनके, और अगर क्लोज्ड होगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी और तभी तो प्रेशर बनेगा, है ना। तो हमेशा क्लोज कंटेनर में ही हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। और अब हम जो यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन आपसे घुमा के आ सकता है कि
बताइए कि वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल वॉलेटाइल सॉल्यूशन का के बारे में आप कुछ डिस्क्राइब करिए, और ये भी आ सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप कहीं मतलब कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो ये चीज हो सकती है। चलिए अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि हमने ये तो तय कर लिया है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वो वॉलेटाइल होता है बेसिकली, जो आराम से भाप बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में होता क्या है, एक डायग्राम की हेल्प से हम इसे बनाएंगे। पहला डायग्राम ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर कंटेनर ले लिया है, ठीक है, कंटेनर मैंने ले लिया। अब ये कंटेनर कौन सा होगा? क्लोज्ड, क्लोज्ड कंटेनर। ये मेरा एक लेयर है जिसे मैं बोलूंगी लिक्विड लेयर, सॉल्यूशन की लेयर जिसे मैं बोलूंगी, ठीक है। लिक्विड इसके मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि हम लिक्विड ही जो है बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ये हमारा सॉल्यूशन है नीचे, ठीक है। अब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बुलबुले होंगे, वो सरफेस पे भी होंगे। जैसे मैं मान लेती हूं मैं यहां पर बात कर रही हूं लिक्विड का सॉल्यूशन, मैंने यहां पर ए दे दिया, नाम क्या दे दिया? ए। ए यहां पर भी होगा, 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 और बाकी नीचे भी होंगे। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ए जो है सॉल्यूट है, एक तरीके से आप मान लीजिए कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो ए ही है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं लिक्विड ए की, यानी प्योर ए। अब जो ये ए है सॉल्यूशन के अंदर, जो ये ए मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे? ये ऊपर भाप बनाएंगे, ठीक है, भाप बनेगी, वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इस कंडीशन में जब क्लोज कंटेनर है और जब ए मॉलिक्यूल्स यानी ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है, ए लिक्विड जो पूरा का पूरा है, वो क्या कर रहा है? भाप बना रहा है। तो जो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? पी नॉट बोल रही हूं मैं, पी नॉट। अब पी नॉट में से क्यों बोल रही हूं? पी नॉट को हम यहां लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस ए, ठीक है। क्योंकि यहां पर सिर्फ यहां पर ए टाइप का ही सॉल्यूशन है, ए टाइप का ही लिक्विड इसके अंदर है और उसी के थ्रू ही वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए मैं इसे लिख देती हूँ पी नॉट से, ठीक है। पी नॉट का हम यही मतलब लिखेंगे, और मैं इसे ये भी लिख देती हूँ पी नॉट ए, ताकि हम पहचान पाए कि भाई ये जो प्योर सब्सटेंस है ये ए के थ्रू वेपर क्रिएट किया गया है। तो देखो पी ए और यहाँ पर नॉट लगा देती हूँ, ऊपर लगा देती हूँ पी नॉट, ठीक है। पी नॉट मैंने ऊपर लगा दिया। ये बात हो गई हमारे पहले डायग्राम की, मैं नीचे लिख देती हूं। अब बात करते हैं दूसरे डायग्राम की, मैं दूसरा डायग्राम यहां बना देती हूं। इधर मैंने वापस एक क्लोज कंटेनर लिया है क्योंकि हम लोग जो हैं ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर की बात करते ही नहीं है, वेपर उड़ जाती है। यहां पर वापस मैंने लेयर ले ली, यहां पर वापस लिक्विड सॉल्यूशन है और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, या मैं बात करूं जो सॉल्यूशन का प्योर टाइप है वो है बी टाइप। मैंने बी टाइप ले लिया, यहां पर लिक्विड ले लिया था, यहां पर मैंने लिक्विड ले लिया है, मतलब बी टाइप, ठीक है। तो यहां पर बी टाइप आ रहा है, ठीक है, भाप बनेगी, ऊपर उठेगी। इसके थ्रू भी जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया होगा उसे मैं लिख दूंगी पी नॉट बी, क्योंकि ये प्योर, ये वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर सब्सटेंस बी। आई बात समझ में? ये दो डायग्राम आपको दिख चुके हैं, एक बारी तो प्योर ए सब्सटेंस ने जो है अपना क्रिएट किया हुआ है क्या? वेपर प्रेशर। एक बारी प्योर बी ने किया हुआ है, ठीक है, इसे हमने पी नॉट ए पी नॉट बी बोल दिया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स कर देना है, इन दोनों को मिक्स कर देना। करते हैं मिक्स, क्या होगा देखते हैं। मैं यहां डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, दिख जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? ए मॉलिक्यूल भी है, बी मॉलिक्यूल भी है, ए मॉलिक्यूल भी है, बी मॉलिक्यूल भी है, और क्लोज है कंटेनर, वही सॉल्यूशन लिक्विड का, ठीक। अब यहां पर ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब मुझे बताओ कि जो भाप निकलेगी वो मैं क्या, जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, मैं उसे ऐसे बोल सकती हूँ कि पी नॉट ए आ रहा है, या मैं उसे ऐसे बोल सकती हूँ कि पी नॉट बी आ रहा है? बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती।
क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि अब जो वेपर प्रेशर बन के आएगी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए के थ्रू आ रही है या फिर सिर्फ सब्सटेंस बी के थ्रू आ रही है, वो नहीं है। अब जो है इन सब इन दोनों से मिक्सचर से मिलकर बन के आ रही है क्या, वेपर प्रेशर। तो इसलिए अब मैं बोलूंगी कि क्या क्या आ रहा है, एक तो प्रेशर आ रहा है ए के थ्रू और एक प्रेशर आ रहा है बी के थ्रू, और ये प्रेशर कौन सा है, पार्शियल प्रेशर। जब मिक्स की कंडीशन हो जाए ना तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, हम नाम देंगे पी ए और पी बी से, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, दोनों को मिक्स कर लिया, हमने पढ़ा है पार्शियल प्रेशर के बारे में, तो हम बोल देंगे इस वेपर प्रेशर से जो वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है वो है एक तो पी ए के थ्रू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के थ्रू और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के थ्रू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब एक जो हमारे वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था राउल्ट्स, उन्होंने निकाला था एक लॉ जिसे हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। क्या कहा था उन्होंने, क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, इन अ सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर, हमने बात की थी पार्शियल प्रेशर की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट है ना वहां पर ए और बी, ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऑफ दैट कंपोनेंट। अब देखिए क्या कह रहा है ये डायरेक्टली, अगर मैं आपको बताऊं कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर ए है, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जो पार्शियल प्रेशर है बी का जो हमने देखा था पीछे डायग्राम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये डायरेक्टली बस यही बात कह रहा है, ठीक है, इतनी छोटी सी बात बस ये बोल रहा है और हमें समझनी है। अब चलिए आगे इसको डिराइव करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, क्या था राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगी तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ गया और एक्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करें k की वैल्यू फाइंड आउट, इधर कर रही हूं मैं, ठीक। मान लेते हैं, अब मैं कैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, लेट कंसीडर लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कि सॉल्यूशन जो है वो एकदम प्योर है। सॉल्यूशन कैसा है, एकदम प्योर है, और अगर सॉल्यूशन प्योर होगा तो उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो एकदम जीरो हो जाएगा ना, जो मैंने आपको लास्ट में डायग्राम बना के दिखाया था, अगर मैं उसके अंदर बी को हटा दूं और एकदम ए ही रखूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो जीरो, मतलब उसका कोई भाग तो होगा ही नहीं, बी का जीरो कर दिया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, वन। कुल मिला के आपको इतना करना है कि एक बार एक सब्सटेंस को जीरो रखना है और एक सब्सटेंस को वन, दूसरी बार दूसरे को, आई बात समझ में। तो देखिए हमने एक बार प्योर सब्सटेंस ले लिया है ए, जिसकी वैल्यू वन मोल फ्रैक्शन की, और इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो, क्यों हुई मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, अगर वैल्यू रखेंगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के वन, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैं यहां पर बना गई, क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू के, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट के बराबर आ गया। अब यहां से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बात को, कि अगर अगर सिर्फ हम
सब्सटेंस ले रहे हैं ए, प्योर सब्सटेंस ले रहे हैं ए, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसका पार्शियल प्रेशर तो होगा ही नहीं, उसका क्या होगा, एकदम प्योर प्रेशर, जिसको भी हम क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं ना। ये बात मैं सही लिख रही हूं क्या, पे नॉट ए इज इक्वल टू के लिख रही हूं कैसे, कि भाई अगर हम बात कर रहे हो एकदम प्योर सब्सटेंस की, ठीक है, हमने यहां पर एक्स बी को जीरो, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जीरो मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हमने वन मान लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ही नहीं, तो भाई मतलब प्योर सब्सटेंस। और पहले मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ क्रिएट बाय प्योर सब्सटेंस होगा उसे हम बोलते हैं पी नॉट ए, या बी के थ्रू जो प्योर सब्सटेंस के थ्रू, प्योर सब्सटेंस ऑफ बी के थ्रू जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसे हम बोल देंगे पी नॉट बी। तो यहां तो जब मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो ले लिया तो इस पार्शियल प्रेशर को अगर मैं पी नॉट ए बोलूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, तो हमने के की वैल्यू लगा दी पी नॉट ए। तो अब हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इस वाले इसमें पुट करके, पी ए इज इक्वल टू के की वैल्यू पी नॉट ए लिख सकते हैं, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है किसके लिए, सब्सटेंस के लिए, ए के। ऐसे ही हम बी सब्सटेंस के लिए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी लिख सकते हैं, क्या आ रही है बात समझ में, यहां तक बात समझ में आई। अब हम चलते हैं आगे, जो डेल्टन है उन्होंने भी एक लॉ निकाला था, पता होगा, जो डेल्टन है उन्होंने क्या लॉ निकाला था, उन्होंने कहा था कि टोटल वेपर प्रेशर के बारे में कुछ कहा था, उन्होंने कहा था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। कहने का मतलब है कि जितने भी पार्शियल प्रेशर होंगे सॉल्यूशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, उन सभी का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात बोली थी किसने, डेल्टन, ये डेल्टन्स लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टोटल वेपर प्रेशर, सॉरी टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, पी नॉट, सॉरी पी नॉट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाली थी ना, देखा था, अभी रख दे इसको इसके अंदर, रख दे, चलो रखते हैं। पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ये निकल के आ गया हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, किसके लिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के। अब यहां से आप एक काम ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाते हुए एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कुछ मैं लिख के बताऊंगी, समझना कि मैंने आपको क्या सिखाया था। मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन, ये एक्सप्रेशन कुछ याद आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सब का क्या, अगर हम एडिशन करते हैं तो वन आएगा, और हमने एक बात की थी बाइनरी सॉल्यूशन की, और बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं ए और बी, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन, ये मैंने आपको बताया था। अब इससे मैं ये भी तो निकाल सकती हूँ ना, अगर मैं एक्स बी की बात करूं, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करूं, तो वन माइनस, ये भी एक्सप्रेशन आ सकता है हमारे पास, अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर अगर करना चाहें तो देखिए क्या निकल के आता है एक्सप्रेशन, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, और यहां क्या लिख सकते हैं हम, ये एक्सप्रेशन, ये वैल्यू रख दूं मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की, यानी वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा एक्सप्रेशन, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं पी नॉट बी को इसके अंदर, माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब जो ये टर्म है हम इसमें, इन दोनों टर्म्स में से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो ले ले, कॉमन ले ले, कॉमन ले ले, तो चलिए मैं ऊपर दिखाती हूँ, थोड़ा साइड में दिखाती हूँ आपको, यहां दिखा रही हूं मैं आपको, ले लिया यहां से, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, लास्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, पी
पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्लस, इधर माइनस आएगा पी बी नॉट, ये आया हमारा टोटल, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये रहा हमारा पूरा एक्सप्रेशन, इसको हम एट द एंड कैसे लिख सकते हैं अच्छी तरीके से मैं आपको लिख के बताती हूँ लास्ट में क्या लिख सकते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये भी हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, हम इसे ये भी लिख सकते हैं p नॉट a प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये भी हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है, किसी भी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपसे एक ग्राफ के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और वो ग्राफ होगा बिटवीन पी नॉट ए और पी नॉट बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस बी के बीच में। ग्राफ बिटवीन पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ठीक है। देखिए मैं आपको बात करती हूं, एक जानकारी आप लिख लीजिए, अगर पी नॉट ए है ठीक है तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा वन और मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा जीरो होगा इस पोजीशन पे, अगर हम सिर्फ पी नॉट ए की बात कर रहे हैं। मैं बात करूं अगर पी नॉट बी की, तो मोल फ्रैक्शन ए का होगा जीरो और बी का होगा वन, बात समझ में आती है ये बात, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन हम और सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं भाई, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये भी हम सीख के आए हैं, ठीक है। और हम ये भी चीज इधर सीख के आए हैं, जानकारी है मैं साइड में लिख रही हूं ताकि आपको रिलेट कर पाऊं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां मैं बीच में ग्राफ बनाऊंगी, आई बात समझ में, ये है पी नॉट ए का, ये है पी नॉट बी का, ठीक है। अगर पी नॉट ए का ये है लाइन, ये है ग्राफ, तो इधर इस पोजीशन पे मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है वन है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है जीरो है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर वन है तो इस पोजीशन पे मोल फ्रैक्शन सॉरी पार्शियल जो प्रेशर होगा ए का वो हाईएस्ट होगा, यानी इधर होगा, ठीक है, मान के चल रही हूं यहां पर है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से हो सकता है एक वॉलेटाइल हो, मतलब मैं इन दोनों को बराबर लेके नहीं चल रही हूं, क्योंकि पी नॉट ए और पी नॉट बी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हो सकता है एक सॉल्यूशन एक लिक्विड का कम हो और दूसरे लिक्विड का ज्यादा हो, अंतर तो देखिए आ ही सकता है, मैं बराबर लेके नहीं चल रही हूं, फिर भी मैं कह रही हूं मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, मतलब हाइएस्ट होगा जो भी होगा इस पोजिशन पे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है वन का है पी ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जीरो है। जब हम पी नॉट बी की तरफ चल रहे हैं तो आपको पता है कि यहां आते आते मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि जब प्योर सब्सटेंस आ जाएगा बी का, ठीक है, तो यहां पर तो फिर मोल फ्रैक्शन जीरो हो ही जाएगा, यहां पर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो वन रहेगा, तो इस पोजीशन पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो वन आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो, और इस पोजीशन पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वो मैंने मान लिया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पोजीशन पे मैंने मान लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ पी नॉट ए ये है और इधर ये मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, जीरो होगा ना, कुछ होगा ही नहीं यहां पर बी का पार्शियल प्रेशर, ये सॉरी प्योर जो प्रेशर हम बोलते हैं जीरो होगा, और इस पॉइंट पे जो पी नॉट बी होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, और इस पॉइंट पे जो पी नॉट बी होगा वो जीरो होगा, और ऐसे ही इस पॉइंट पे पी नॉट ए क्या होगा वो जीरो होगा,
ठीक है, तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये कुछ एकदम सेम नहीं है, हो सकता है मैं मान लेती हूँ पी नॉट बी का जो है प्योर जो वेपर प्रेशर है प्योर सब्सटेंस वो ज्यादा है, मैं मान लेती हूँ ज्यादा है, इसको थोड़ा मैंने कम कर लिया, तो क्या निकल के आता है ये मैंने जो, तो देखिए जो ये वाला ग्राफ है जो ये लाइन है वो क्या दर्शाती है वो, ठीक है, तो देखिए ये वाली लाइन क्या दिखाएगी, ये वाली लाइन जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या मैं बोलू प्योर सब्सटेंस यानी पी नॉट बी यहां पर जीरो है और यहां पर पी नॉट बी जो है एकदम जो उसको होना चाहिए जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है वो है, तो ये लाइन हमें दिखाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसे ही ये जो लाइन है वो हमें क्या दिखाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और जो इस लाइन को मैंने मिला दिया है वो क्या दिखाएगी, टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आई होप आपको ये सारा का सारा जो ग्राफ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, हमने आज पूरा कवर कर लिया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, और अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया।